शिवपुरी जिले के पहाड़ी कस्बे के कटरा मोहल्ले में चोरों ने एक सुने मकान को निशाना बनाते हुए करीब 1.5 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। पीड़ित अपने पिता का उपचार कराने के लिए शिवपुरी के एक निजी अस्पताल में अपने परिवार के साथ रुका हुआ था। रवि परिहार पुत्र लाखन सिंह परिहार उम्र 23 साल ने बताया कि 3 जुलाई को मेरे पिता को हार्ट अटैक आ गया था। इसके बाद मैं और मेरा परिवार पिता का उपचार कराने के लिए शिवपुरी के एक निजी अस्पताल आ गए थे। मेरे घर पर ताला लगा हुआ था। गुरुवार की रात चोरों ने मेरे सूने घर को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आज सुबह मेरे पड़ोस में रहने वाली मेरी भाभी ने फ़ोन कर बताया कि तुम्हारे मकान का ताला टूटा हुआ है। जब दोपहर में मैंने घर जाकर देखा तो घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। घर की अलमारी में 1.25 लाख रुपए के जेवरात सहित अलमारी में रखे 25,000 रुपए नकदी चोरी हो गए थे। इसकी शिकायत पौरी थाने में दर्ज करा दी गई। थाना पुलिस ने शिकायत के बाद अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पौरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो आज जो आज रात में चोरी हुई है आपके यहाँ पे, कैसे क्या आपको जानकारी मिली? देखो, हमारे पिताजी को क्या अटैक आया हुआ था, तो हम उन्हें सीपरी ले गए थे। सीपरी वहाँ भर्ती हुए थे, तो करीब यहाँ पे कोई नहीं था। घर पे ताले वाले लगा के सब वहाँ चले गए थे। तो आज रात को जब हम वहाँ सो रहे थे, तो आज रात बीतते हुए सोए हमें फ़ोन आया यहाँ से पौरी से घर से कि तुम्हारे घर का ताला टूटा हुआ है। तो मैं सुबह वहाँ से आया सीपरी से, तो देखा कि ताला टूटा हुआ है और घर में सामान बिखरा पड़ा है और तिजोरी जो घर के अलमारी के लॉकर होते हैं वो टूटे फूटे पड़े हैं और सारा सामान गायब है। लगभग कितने का नुकसान? लगभग मानो आप 1.25 लाख, हाँ 1.25 लाख का नुकसान है और कुछ रुपए नकदी भी हैं, 25-30 हज़ार। पुलिस को सूचना दे दी आपने? दे दी थी? हाँ, पुलिस को सूचना दी थी और वो आई भी थी। पुलिस वाले जो साहब हैं वो आए भी थे, निरीक्षण करके गए हैं और मैंने आवेदन भी दे दिया है, तो कार्रवाई करेंगे।